फुटबॉल इंडिया इज ट्रू न्यूज। दोस्तों सभी ने विक्रम बैताल की कहानियां सुनी होंगी और देखी होंगी, भले उसकी कहानियां हमें याद ना हो लेकिन एक चीज हमें याद है कि वो बेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था, उसे अपनी कहानियां सुनाता था, सवालों में उलझाता था और फिर उड़कर कहीं चला जाता था। इस पर एक फिल्म बनी तमिल में, वो भी सुपर डुपर हिट रही, विक्रम बेताल, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में लीड रोल में थे विजय सेतुपति, जो कि एक गैंगस्टर बने थे और उन्होंने बेताल का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म में उनका काम था मतलब वॉर करना, लड़ाइयाँ करना, विक्रम को एक अलग सी कहानियां सुनाना, उसे सवालों में फंसाना और फिर निकल जाना। यहाँ विक्रम का रोल प्ले किया है आर माधवन ने। फिल्म में वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं और वो विजय सेतुपति की कहानियां सुनते हैं और कहानियां सुनने के बाद सोच में फंसते हैं और उसी टाइम बेताल गैंगस्टर विजय सेतुपति निकल जाता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर और गायत्री ने। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने वाला है जिसमें नजर आएंगे हमारे ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। हाल ही में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, फिल्म को लेकर काफी सुर्खियां थी। रोशन ने इस फिल्म को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी, फिल्म का कोई ना कोई अपडेट हमारे सामने आता ही रहता था। अभी खबरें हैं कि फिल्म का फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल पूरा हो चुका है और इसकी जानकारी खुद उनके टीम मेंबर मंसूर अली खान ने दी है। एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, फर्स्ट क्रेजिस्ट एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल पूरा हो चुका है, चीयर्स टू ऋतिक रोशन और परवेज खान। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में ऋतिक रोशन ने एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल को दशहरे के मौके पर शुरू किया और फाइनली रैप अप भी कर दिया। हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है सितंबर में। खासियत पता है आपको क्या है कि इस फिल्म में बाहुबली फेम एक्टर साहू फेम एक्टर प्रभास लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे, उनका भी एक छोटा सा बहुत ही अहम हिस्सा होगा। अब आप सोचिए कि जिस फिल्म में तीन ऐसे स्टार्स हो तो उस फिल्म का लेवल क्या होगा। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियो।